कम बैक। आई होप आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सही से चल रहे हैं। आज हम एक छोटी सी कंसेप्ट को समझेंगे, बिकॉज करंट ओरिएंटेड बहुत सारी न्यूज़ में ये बार बार रिपीटली ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। सो आई थॉट कि मैं आपको इसका एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से बताती हूँ। हम बात कर रहे हैं आपका SEATO, जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बनाई गई थी 1954 में। अब ये क्या है, क्यों बनी है, किस लिए काम करती थी, अब क्यों नहीं वर्क करती है, वो सभी चीजें डिटेल्ड वे में जानेंगे। सबसे पहले जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको हम सैटो कहते हैं, ये बनाई थी यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान फॉर्मर द साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सैटो। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। जो इस चीज का पर्पस था, क्या पर्पस था, प्रिवेंट करना कम्युनिज्म का। मैंने आपको बताया हमारे पास कोल्ड वॉर एरा में दो आइडियोलॉजीज थी, आपका USSR एंड दूसरा आपका USA। USSR की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म थी, USA की जो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म थी। अगर आप इन चीज़ों को और बेटर वे में जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो मैंने वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझाई है 12th की, वो प्रॉपर तरीके से समझो, आपको चीज़ों को और बारीकी से जानने का मौका मिलेगा। जो पर्पस था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या था, प्रिवेंट करना कम्युनिज्म को, ताकि कम्युनिज्म फैले ना। हमें पता था कि दोनों ही जो ऑर्गेनाइज सुपर पावर्स थी, ये लोग अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में फैलाना चाहते थे, और उन टाइम के बीच में एक काइंड ऑफ समझ सकते हो कि वर्ल्ड दो आइडियोलॉजीज में ब्रेक हो गया था, और इंडिया और हम सब क्या रहे, नॉन अलाइंड रहे। हम लोगों ने नाम का कंसेप्ट फॉलो किया कि हम ना तो इस साइड में जाना चाहते हैं ना तो उस साइड पे जाना चाहते हैं। वो भी मैं आपको अपकमिंग टाइम में समझाऊंगी इन अ बेटर वे। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लिंक मिलेगा, वहां पे ये हर एक पॉइंट मैंने बहुत डिटेल्ड वे में समझाया है। ऑल दो कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओनली टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बिकेम मेंबर्स। जबकि इसका नाम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी है, बट रियालिटी में दो ही साउथ एशियन स्टेट्स क्या है, इसकी मेंबर्स है। पहली बात, जो फिलीपींस है ज्वाइंड इन अ पार्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टाइज थी इसीलिए, एंड इन द पार्ट ऑफ कंसर्न ओवर द नेस्केट कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी थ्रेटनिंग इट्स ओन गवर्नमेंट। जो इसका हेडक्वार्टर है था वो कहाँ पे था, बैंकॉक थाईलैंड। सीटो हैड ओनली अ फ्यू फॉर्मल फंक्शंस, फॉर्मल फंक्शंस मतलब कुछ ही कार्यों पे ये काम करता था। इट मेंटेन नो मिलिट्री फोर्सेज ऑफ इट्स ओन, बट द ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड, क्या होस्ट करती है ये, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर मेंबर स्टेट्स ईच ईयर। अभी रिसेंटली जब आपने देखा था रशिया में चीजें हुई थी, तब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वर्क में आती है, बात में आती है, इनके बारे में जानने के लिए मिलता है। तो इसलिए इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।